खबर छुपी लाइव, आपकी खबर पेज ऐसा। लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर कलवारी थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी पर बने पुल के पास भूमि विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतक कृषक राजेश यादव 45 वर्ष धोभट गांव के निवासी थे। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धोभट गांव के राजेश यादव और जगदीश यादव के बीच मांझा में खेत को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी करते चले आ रहे थे। 4 दिन पहले की बात है कि एक पक्ष ने खेत में बोई गई चरी को काट लिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद तनाव और बढ़ गया। रविवार को राजेश अपने भाई उमेश के साथ टांडा पुल के पास सरयू नदी में नहाने गए थे। लौटते समय पुल के पास जगदीश के साथ 4-5 लोग मिल गए। दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या की कोई वैसी बड़ी वजह नहीं है, ये मनबड़ई है, दरंगई है। ये अपने खेत में जो है काम कर रहे थे, इनका भाई खेत में काम कर रहा था, उसको गए कुछ लोगों ने मारा पीटा। उसने घर पे सूचना दिया, ये लोग बाइक से जा रहे थे, रास्ते में वो लोग रुके हुए थे, लाठी से तुरंत गाड़ी कहीं थे प्रहार कर दिए और ये लोग गिर गए। इनको लोग तब तक मारते रहे जब तक कि मर नहीं गए। शोरगुल होने पर राजेश के बेटे अंबिका, भाई दिनेश व योगेंद्र भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ राजेश को जिला अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घायलों में उमेश, अंबिका, दिनेश, योगेंद्र, जगदीश व चंद्रहास शामिल हैं। मृतक राजेश यादव 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। छोटे भाई दिनेश व उमेश के साथ खेतीबाड़ी कर परिवार का जिम्मा संभालते थे। मारने वाले का नाम बता सकते हैं क्या है? बताए भैया। जगदीश, हरिपुर, नीरज, गंगा प्रसाद, राम नारायण। अच्छा अच्छा, कह लो इतने लोगों ने आप लोग को मारा, कह लोगों को चोट लगी है? 4-5 लोगों को चोट लगी है। आप परिवार से हैं उनके? जी। ठीक है, ठीक है। आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास में खेत में चरी को काटने को लेके और झगड़ा हुआ, जिसमें एक तरफ से राजेश कुमार और सनोक दल सिंगार, इनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, और बाकी दूसरी तरफ से 4-5 लोग थे, जिनमें जगदीश यादव, नीरज, हरिपुर और 2-3 लोग इनके साथी थे। इनमें आपस में झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से चोटें आई और एक पक्ष के जो राजेश कुमार है, इनको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। उसमें थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जानकारी करने पर ये जानकारी मिली है। पूर्व में इनके जमीन को लेकर विवाद था और इसका रेवेन्यू और पुलिस की टीम के द्वारा इसकी जांच भी की गई थी और उसमें समस्या का निपटारा किया गया था। दोनों पक्षों को 116 में इसमें प्रावधान भी किया गया था। आज सुबह किसी बात को लेकर सही इसमें झगड़ा हुआ और ये घटना हुई है। इसमें पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लेके और नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हैं। उसमें सर परिजनों का आरोप है कि जान माल की धमकी की शिकायत पहले भी थाने पे की गई थी। पहले इसमें जब सूचना मिली थी करीब अप्रैल के आसपास में, तो इसमें मई महीने में पाबंद की कार्रवाई इसमें की गई है और इसके बाद में कोई इस तरह की सूचना नहीं मिली थी। आज इसमें यह घटना हुई है और इसमें भी पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई की। 4 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया, लेकिन इसी में घटना हुई और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आगे इसमें पुलिस कार्रवाई की। सर राजेश की 6 संतानें हैं, 4 बेटे बजरंग प्रसाद 22 वर्ष, अंबिका 20 वर्ष, अरविंद 14 वर्ष, विकास 11 वर्ष व बेटी कविता 19 वर्ष और दिव्या 17 वर्ष हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।